सरकार ने बंगाल विधानसभा में महिला सुरक्षा पर एंटी रेप बिल पेश किया। टीएमसी सरकार ने विधानसभा में जो है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया, जिसमें दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। लेकिन इस बिल पर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी ने ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश कहा है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ बंगाल की बेटी के इंसाफ के लिए घमासान है, तो दूसरी तरफ एंटी रेप बिल पर सियासी संग्राम छिड़ा है। प्रधानमंत्री कोर्टे पाड़ी नहीं बोले, हमने करे थी प्रधानमंत्री, आपकी देश लज्जा। कोलकाता निर्भया कांड को लेकर देश भर में जबरदस्त आक्रोश और नाराजगी के बाद ममता सरकार ने एंटी रेप बिल को पास कर दिया। बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश करते करते ममता बनर्जी ने पीएम मोदी समेत बीजेपी के सीएम का इस्तीफा मांग लिया। अपनी मेयर प्रोटेक्शन दिखा पड़े ना, ताई अपना पदोक्त मंत्री पदोक्त दावी कर ची। ममता सरकार ने अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पास तो कर लिया, लेकिन इस बिल के लाने के बाद भी ममता सरकार जन आक्रोश से घिरी है। विपक्ष इसे ममता का डैमेज कंट्रोल बता रहा है। पहले आपको ये बताते हैं कि बंगाल सरकार के इस अपराजिता विधेयक में खास क्या है। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान 10 दिन में फांसी की सजा का है। रेप पीड़ित की मौत होने या उसके कोमा में जाने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। नए बिल के मुताबिक पुलिस को रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में इसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। रेप गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा होगी। रेप के मामलों में मदद करने वालों पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स एक्शन लेगी। रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने वालों को 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। जब मेन है के उसे अरेस्ट करवाने जनो एवं 164 जनेर एक साइबर क्राइम टीम तैयारी करा हुई चिलो समस्त रखो के देखा जनो आमला पुलिस के बोले चिलो फास्ट ट्रैक अदालत गिए फांसी आवेदन जानाते एवं समय बेधे दिए चिलाम किंतु मंगलवार दिन सीबीआई हो जाए कोर्टर ऑर्डर ही ठीक है। आमार कोनो ताते प्रॉब्लम नहीं, आमादेर कारण ही थाकर कथा नय। आमरा एखन ता छाड़ाओ आमरा एकटा नारी नारी सुरक्षा जेटा रात्रिरे रात्रि साथी करेछि, जेखाने परिष्कार बला होयेछे जे महिलारा जत कम सम्भव 12 घंटा ड्यूटी करबे, যদি এমার্জেন্সি থাকে তার ডিউটি ডাক্তার বাড়াবে। তার কারণ মেয়েদের মনে রাখতে হবে কেন করেছে সেটা আমাদের ব্যাপার, আপনি কেন কথা বলছেন। ममता सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक को क्रांतिकारी बताया, तो बीजेपी ने इसे ध्यान भटकाने वाला और बंगाल सरकार का नया ड्रामा बता दिया। असेंबली में इतिहास हो गया। आज देखिए पूरा देश में पहली बार ये बंगाल सरकार, ममता बनर्जी का सरकार एक बिल पास किया। यह रेप एंड मर्डर का कड़ी से कड़ी तक पूरा ये लाइफ सेंटेंस टिल डेथ एंड मृत्युदंड, इसका ऊपर बिल पास हो गया। गवर्नर साहब को अभी तुरंत ये बिल वो साइन कर देना चाहिए। ऑलरेडी नए संहिता के ऊपर नए संहिता है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जिसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है। तो ममता बनर्जी की ये जो उन्होंने लॉ लाए ये पूरी तरीके से ड्रामा बजी है और इसको दिखाने के लिए हमारे विधायक लोगों ने समर्थन किया, लेकिन ये जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ये कैंसिल। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी का अपराजिता एंटी रेप बिल कानून बन पाएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई राज्य सरकार इस तरह का कानून लेकर आई हो। इससे पहले साल 2019 में आंध्र प्रदेश की सरकार दिशा विधेयक लेकर आई थी। साल 2020 में महाराष्ट्र सरकार शक्ति विधेयक लेकर आई थी। दोनों को राज्य विधानसभाओं में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन आज तक किसी को भी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो विभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए
अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई, पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजीकर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? ममता सरकार की लाए इस विधेयक में एक प्रावधान यह है कि रेप केस में कोर्ट की कार्यवाही को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। इस पर विपक्ष ने सवाल किया कि क्या ममता सरकार रेप जैसे गंभीर मामलों में अपनी सरकार की लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए ये विधेयक लेकर आई है। कानून को सख्त होना होगा, सजा होनी होगी, लेकिन ये भी नहीं कि 10 दिन के अंदर आप अपराधी को पकड़ कर मृत्युदंड दे दें। इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों को लोग फंसा के भी उनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, तो कानून को अपना समय भी देना बहुत जरूरी है। आनन फानन में इस तरह का कानून पारित करना भी सही नहीं है। आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर ममता गिरी है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में अपराध का बोलबाला है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून को लेकर भी ममता बनर्जी अपनी साख पर लगे दाग को मिटा नहीं पाएंगी। और जिस अपराजिता कानून पर बंगाल सरकार तेरा कानून मेरा कानून की राजनीति कर रही है, क्या कानून बनाने के बाद भी इंसाफ मिल पाएगा? और